हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम आज इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इमरजेंसी, इमरजेंसी कहते किसको हैं। देन सेकेंड वी विल सी कि कितने टाइप ऑफ इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर हम देखेंगे कि इसका अप्रूवल कैसे होता है, और लास्ट वी विल सी कि इसका इफेक्ट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, What is emergency? तो emergency एक crisis situation है, that is emergency is a situation of crisis which demands immediate action. एक ऐसा situation जो immediate action demand करता है, क्योंकि वो एक crisis face कर रहा है राष्ट्र। अब कितने टाइप ऑफ इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 types ऑफ इमरजेंसीज। 3 तरह के इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज स्टेट इमरजेंसी, या जिसे हम पॉपुलरली प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, और ये आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में दिया गया है। नाउ वन बाय वन हम देखेंगे इस एक एक करके सारे इमरजेंसी को। तो फर्स्ट लेट अस सी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के ग्राउंड्स क्या क्या हैं? तो 3 ऐसे ग्राउंड हैं जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। द फर्स्ट इज वॉर। यदि कोई देश के साथ, हमारा देश वॉर पे जाता है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन एक अनडिक्लेयर्ड वार को कहते हैं, जैसे मुंबई अटैक में हमने देखा था। तो इन सिचुएशन ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन आल्सो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। थर्ड इज इन केस ऑफ आर्म्ड रिबीलियन। तो आर्म्ड रिबीलियन मतलब यदि सशस्त्र विद्रोह देश में हो रहा हो, तो उस समय भी राष्ट्रपति प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कर सकते हैं। तो ये 3 grounds हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबीलियन, जो नेशनल इमरजेंसी का बेसिस बन सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो वर्ड आर्म्ड रिबीलियन है, इसके पहले वर्ड यूज होता था इंटरनल डिस्टरबेंस, बट 1978 में थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से द वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया, और इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह वर्ड लाया गया आर्म्ड रिबीलियन। दूसरा जो चेंज किया गया था थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज के फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री, देश में नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए ये आवश्यक है कि प्रेसिडेंट को एक रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट चाहिए। नाउ ये आर्टिकल 352 सिर्फ इकलौता ऐसा आर्टिकल है जहां वर्ड
कैबिनेट हैज़ बीन यूज्ड इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 352 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें वर्ड कैबिनेट यूज किया गया है। तो अब यदि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करें तो जरूरी है कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन का सिचुएशन हो, प्लस इस संबंध में एक रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए फ्रॉम द कैबिनेट। नेक्स्ट कि इसका अप्रूवल विद इन 1 month ऑफ इट्स प्रोक्लेमेशन हो जाना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इसका अप्रूवल होना चाहिए। अब वंस अप्रूव्ड फिर ये 6 महीने तक चल सकता है और हर एक 6 महीने पे एक अप्रूवल की आवश्यकता होगी। अब हम ये देखते हैं कि इसे रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो इसको रिमूव करने के लिए या तो प्रेसिडेंट साहब इसे रिवोक कर सकते हैं, यदि प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि देश में अब वो हालात नहीं हैं तो वो इसे रिवोक कर सकते हैं, या पार्लियामेंट एक स्पेशल सेशन बुला करके इसे रिवोक कर सकती है। नाउ वी विल सी कि नेशनल इमरजेंसी के कारण फंडामेंटल राइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये इफेक्ट आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 दो आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, मतलब राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये ऑटोमेटिकली ही चला जाता है या इसका ऑटोमेटिकली ही एंड हो जाता है एज सून एज इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड इन द कंट्री। तो नेशनल इमरजेंसी से फंडामेंटल राइट पर फर्स्ट इफेक्ट ये होता है कि आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। सेकेंड इफेक्ट जो है वो ये है कि आर्टिकल 20 और 21 में दिया गया फंडामेंटल राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस है, एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये कभी नहीं जाता है। इवन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 नेवर गोज ऑफ। इसके अलावा जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, उनका एनफोर्सिएबिलिटी, बाकी सारे फंडामेंटल राइट का एनफोर्सिएबिलिटी प्रेसिडेंट समाप्त कर सकते हैं बाय अ स्पेशल ऑर्डर या थ्रू द प्रोक्लेमेशन इटसेल्फ। एक और इफेक्ट जो हम नेशनल इमरजेंसी का देखते हैं वो ये है कि लोकसभा का टेन्योर या ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक बार में 1 साल के लिए ड्यूरेशन या टर्म बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था नेशनल इमरजेंसी के बारे में कुछ फैक्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।